Oh-ho! रखना है राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे महारानी कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे महारानी कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए आई दोनों हाथ उठा के सभी पुकारे मोहितो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे 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 मोहितो भरोसो किशोरी राधे चार पदार्थ किशोरी राधे चार पदार्थ
कृपा की एक लीला अभी हमने सुनी। कोई परिवार रहता था, पति पत्नी रहते, उनके कोई संतान नहीं थे। ध्यान से सुनना, जब श्री जी कृपा करती हैं तो असंभव को भी संभव कर देती। उनके कोई संतान नहीं थी और बरसाने में कोई मस्त फकीर रहा करते थे। जीवन जीते थे, ब्रजवासियों के घरों में जाके मधुकरी भिक्षा कर लेते और जो कुछ मिलता उसको पाकर अपना जीवन निर्वाह करते। अब वो फकीर जाने कहाँ का रहने वाला था, उसको चावल बहुत प्रिय थे, चावल जय। लेकिन जब भी वो भिक्षा करने जाता तो उसको रोटी ही मिलती, रोटी सब्जी मिल जाती, रोटी अचार मिल जाता, चटनी मिल जाती, चावल नहीं मिला उसे। जितने दिन भी उसने बरसाने में भिक्षा की, एक दिन उसको बड़ा कष्ट हुआ हृदय में कि मुझको चावल इतना प्रिय लगता है और मैंने सुना बरसाने में जिसकी जो इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। मैंने तो कुछ और मांगा नहीं, भिक्षा मांग के जीवन जीता हूँ, लेकिन आज तक भिक्षा में मुझको खाने के लिए चावल नहीं मिले। जिसके दरवाजे भी जाता हूँ वो रोटी दे देता है बस। चावल का बड़ा प्रेमी, चावल के बिना व्याकुल तड़पे कि चावल नहीं मिलता। एक दिन करुणामयी सरकार ने कृपा कर दी। एक दिन वो बाबा भिक्षा के लिए चले तो उनके मन में आया, आज भी भिक्षा मांगूंगा वही रोटी मिलेगी, इससे तो बरसाना छोड़ के कहीं और जाके भिक्षा मांग के खाऊंगा, क्या पता कहीं और मुझको कभी कभी चावल के दर्शन हो जाए, चावल खाने को मिल जाए। और वो व्यक्ति, वो फकीर बरसाने से बाहर जाने की विचार करने लगा कि अब बरसाने में नहीं रहूंगा, बाहर ही कहीं रहूंगा। अभी उसने ये विचार ही किया था और उसके सामने एक छोटी सी बालिका, छोटी सी कन्या आई। उसने कहा, बाबा क्या बात है, तुम तो रोज हमारी गली में, हमारे घर के आसपास भिक्षा मांगने आते हो, आज भूख नहीं लगी क्या, दोपहर हो गई, आज तुम हमारी गली में भिक्षा मांगने नहीं आए, क्या बात है। तो उसने कहा, लाली अब बरसाने में भिक्षा नहीं मांगनी, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो आज तक नहीं मिला, इसलिए बरसाने में नहीं रहूंगा। उस छोटी सी कन्या ने कहा, बाबा तुझे क्या नहीं मिला बता तो सही। कहा, बस कुछ नहीं, जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ जिसके दरवाजे जाऊं वो रोटी दे देता, चावल मिले ही नहीं मेरे को, तो चावल बहुत प्रिय है लेकिन किसी ने मुझे इतने से भी चावल आज तक भिक्षा में नहीं दिए, इसलिए बरसाने में नहीं रहूंगा, अब कहीं और ही जाऊंगा। उस छोटी सी कन्या ने कहा, बाबा एक इतनी सी बात के लिए बरसाने को छोड़ के जाते हो, श्री जी के बरसाने को छोड़ के जाते हो। कहा, क्या करूं, भूख लगती है, उधर की भी तो सोचनी है। का बाबा चिंता मत कर, आज तुझे चावल मिलेंगे। और जैसे ही उस फकीर ने सुना, उसके तो मन में आनंद ही आनंद हो गया। का लाली कहाँ चावल मिलेंगे बता तो सही। का बाबा और कहाँ, मेरे घर चला जा, वही आज चावल बने, आज तुझे भिक्षा में चावल ही मिलेंगे, मेरे घर चला जा। उस फकीर ने कहा,
लाली तेरा घर कहाँ है जरा बता तो सही, का जिस गली में तू भिक्षा मांगने रोज जाता है ना, ये सामने नीले रंग का दरवाजा जो देख रहा है, ये मेरा ही घर है, मेरे पिताजी का ये नाम है और मेरी माता जी का ये नाम है। इस नीले दरवाजे वाले घर में जाकर आवाज लगाना, आज तुझे चावल ही मिलेंगे। और इतना सा उस कन्या ने कहा, कन्या तो खेलती कूदती इधर उधर कहीं अंतर ध्यान हो गई, और वो फकीर उस कन्या की बात को मानकर उसी दरवाजे पर चला गया जिस दरवाजे का इशारा किया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? और बाहर खड़े हुए फकीर ने कहा, माँ भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। समझ गई कहीं द्वार पे याचक आया है, भिक्षा के लिए आया है। उस घर में जो पति पत्नी रहते थे, तो उस माता ने दरवाजा खोला और कहा, बाबा तू भिक्षा मांगने तो आया है, लेकिन अभी तो भोजन बना नहीं, थोड़ी देर है, प्रतीक्षा कर ले। का प्रतीक्षा तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी लाली ने मुझे तुम्हारे घर का पता बताया है, तुम्हारी बेटी ने मुझे तुम्हारे घर का पता बताया है। उस महिला ने कहा, हमारी बेटी हमारा क्या नाम बताया है जरा बताओ तो सही। उस फकीर ने कहा कि उस बेटी ने कहा, मेरी माता का नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये है। अब जो उस घर में पति पत्नी रहते थे उनका नाम वही था। का बाबा कहा मिली? कि इस चौराहे पर मिली, मैं बरसाना छोड़ के जा रहा था कि इस बरसाने में मुझे भिक्षा में रोटी ही रोटी मिलती है, चावल मिलता नहीं, इसलिए कहीं और जाके भिक्षा मांगूंगा। तुम्हारी बेटी सामने आई, उसने कहा आज मेरे घर में चावल बने हैं, मेरे घर चले जा और वहां तुझे भिक्षा में चावल मिलेगा, बाबा वहीं जाकर भिक्षा मांग। मैंने पूछा तेरा घर कहाँ है, तो उसने कहा ये नीले रंग का दरवाजा जो इस गली में दिख रहा है यही मेरा घर है, मेरे पिता का नाम ये है और मेरी माता का नाम ये है। इतना सुनते ही तो उस मैया की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, कांपने लगा, शिथिल हो गए। आवाज लगाई, सुनो जी, और अंदर से उसका पति बाहर आया और पति ने कहा, क्या बात है, तू इतनी घबरा क्यों रही है, ऐसे कांप क्यों रही है और तेरे रोने का कारण क्या है? पत्नी ने कहा, पतिदेव अभी तक तो हमने केवल मन में ठाना था कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, तो हमने मन में सोचा चलो कोई नहीं, हम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लेते हैं, अपनी पुत्री मान लेते हैं। आज राधा रानी ने साबित कर दिया कि केवल मैंने ही नहीं बल्कि तुमने अगर मुझे अपनी बेटी माना है तो मैंने भी तुम्हें अपने माता पिता के रूप में वरण किया है, ग्रहण किया है। ये बरसाने की लीला है। बात केवल एक, एक एक चावल की थी, लेकिन करुणामयी सरकार के चरणों में अगर कोई सच्चा संबंध स्थापित कर ले तो श्री जी भले ही हम उस संबंध से छुटकारा चाहते हो, लेकिन श्री जी उस गांठ को कभी तोड़ती नहीं है, कभी खोलती नहीं है। जैसा भी भाव जोड़ लो, श्री जी तो सदा सबको अपना के रखती है। फिर मन क्यों श्री जी के चरणों से कुछ देर के लिए भी अलग चला जाता है? बस इस मन को ही समझाना है, इस मन में ही एक मंदिर बनाना है, जिस मंदिर में सदा सर्वदा के लिए श्री जी की प्रतिष्ठा हो जाए और मन ही मन हम श्री जी से ये प्रार्थना, ये विनय और ये विनती करते रहें। जरा दोनों हाथ उठाइए, सभी पुकारिएगा, हे रा
कृपा हे राधा रानी पुकारिए हे महारानी पीछे वाले भक्त भी जरा दोनों हे राधा पुकार लो श्री जी को हे महारानी हे राधा रानी और गाइए श्री राधा राधा संत तो यहां तक कहते हैं कि कन्हैया तो कृपा करते हैं, कन्हैया सब पर कृपा करते हैं, बिहारी जी महाराज सब पर कृपा करते हैं, श्याम सुंदर सब पर कृपा करते हैं, उनकी कृपा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन राधा रानी जितनी कृपा कोई नहीं कर सकता, श्री जी जितनी कृपा कोई नहीं कर सकता। ब्रज के संतों को कहना है, ब्रज के संत यही कहते हैं कि कन्हैया तो केवल कृपा करते हैं, श्याम सुंदर तो केवल कृपा करते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी कृपा नहीं करती, वो तो कृपा बरसाती है प्यारे हाँ। तीनों लोकों में राधा रानी जैसा कोई नहीं भैया, वो तीन लोकन हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी
हमारी राधा रानी हमारी अरे तीन लोकन
बार राधा नाम लेकर देखो, बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो राधे राधे, राधे राधे। हमको कई वर्ष हो गए डायबिटीज हुए, तो जब भी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाएं तो वो कहे बस मीठा मत खाओ और सब कुछ, बस मीठे से परहेज करना और सब कुछ चलेगा। हमने कहा यही बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे, मीठे का परहेज करना है बस। हमने कहा भाई जिसे तुम मीठा कहते हो वो तो हमें जहर लगता है, हमारे वाला मीठा खा कर देखो तो तुम्हें भी मीठे की आदत पड़ जाएगी। करा क्या बात, आप ऐसा कौन सा मीठा खाते हो? हमने कहा हमको संतों ने राधा नाम की मिठाई खिला रखी है प्यारे, हमको संतों ने राधा नाम का शरबत पिला रखा है, और जो राधा नाम में मिठास है वो किसी और मिठाई में आ नहीं सकती है। कन्हैया भी राधा नाम की मिश्री, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, मोए खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। तो राधा नाम की मिठास मत छोड़ना, अगर कोई कारण भी बन जाए मीठे छोड़ने का तो छोड़ देना, लेकिन एक मिठास तो राधा रानी के नाम की जीवन में ग्रहण करके ही रखना। जिसके जीवन में राधा नाम की मिठास है उसी के जीवन में श्याम सुंदर से मिलने की प्यास है प्यारे। जय हो। इसलिए दोनों हाथ उठाओ और सभी पुकारो, राधा रानी को।
राधा राधा जपते हैं। दुख दूर
एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।